मेरठ के बड़ौत के बाम गांव में हूँ और अनिल त्यागी जी हैं किसान और ये बायोगैस आप देख रहे हैं बहुत वर्षों से बायोगैस चला रहे हैं। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि बायोगैस काम नहीं कर रही, प्लांट उनका यानी टैंक बंद हो गया है या चूल्हे में पानी जा रहा है। काफी दिनों से किसान बड़े सफल तरीके से अपनी गोबर गैस चला रहे हैं, क्या कामकाज उससे करते हैं? और दोस्तों किस तरह से जो चूल्हे में के बर्नर में पानी आता है उसमें कैसे आप फिल्टर लगा सकते हैं, कहाँ लगाएं, कब लगाएं, और दोस्तों कैसे अपने गोबर गैस प्लांट को सही चालू हालत में वर्षों वर्ष तक रखें, इनके अनुभवों को आप जरूर साझा करें। पहली बार चैनल को देख रहे हो तो लिंक साथियों में शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब कर चैनल आइकन बेल आइकन जरूर दबाएं। अब त्यागी से बातचीत करते हैं। त्यागी जी नमस्कार दर्शकों को। त्यागी जी, हम आपका ये जो गोबर गैस देख रहे हैं सर, ये कितने घन मीटर की है सर? आपकी 3 घन मीटर की है सर। तो ये सर कब, कितने साल पहले आपने सर ये 2006 में लगी थी। 2006 में लगी थी, तो यानी कि लगभग 18 साल हो गए जी। 18 साल हो गए। तो सर इसमें जो है ये इसका हो गया टैंक, इसका यहाँ है सर ये सैलरी आपकी पहुँच रही है और वो दो फॉर्म में आप इसमें से खाद ले जाते होंगे। इधर खुल जाएगा, सूखता रहेगा तो सूखा आप ले जाएंगे। एक टैंक और इसमें अंदर है इसका, है ना? एक अच्छा इसमें से बाहर निकल रहा है, इसमें से बाहर निकल रहा है। तो त्यागी जी अक्सर ये जो बताइए कितने आपके पास गाय हैं, भैंसे हैं? 2 गाय। अच्छा, 2 गायों से ये 3 घन मीटर का प्लांट चल रहा है। क्या काम सर इससे कर रहे हैं आप? चूल्हे का ही काम है। चूल्हे का मतलब खाना बनाते हैं, कुछ दाल दलिया बनाते हैं, क्या चलता है पूरे दिन? तो ये रसोई का जो गैस सिलेंडर है वो आपने नहीं ले रखा? नहीं, सिलेंडर तो है, कभी कभी जरूरत पड़ जाए, मान लिया ज्यादा सर्दी है, कोहरा पड़ रहा, धूप नहीं है, गैस कम बनेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, कोहरा में। तो अब हम देख रहे हैं सर आपका ये 18 साल से चल रहा है। तो अक्सर लोगों की रहती है कि पानी, अच्छा ये आप पानी इसमें डालिए, इसमें पानी डाल दें। इस तरह से आप इसको चला दें। तो ये बाथरूम में से आपने नली ले रखी है, उसमें से पानी यहाँ आपने लगा रखा है, और ये इसका गेट है, गेट इसे खोल देते हैं और इसमें से चला जाता है। तो जी बहुत सारे लोगों की बात शिकायत रहती है कि जो बर्नर है उनका पानी हमारे में भी आया था 6-7 महीने बाद ही दिक्कत हो गई थी। अच्छा, बर्नर उसके बारे में सोचा, फिल्टर लगाया। अच्छा, कहाँ लगाया फिल्टर आपने सर? जी जी जी, ये आप इससे क्या है, पानी जमीन में चला जा, गैस ऊपर जाती है। तो अच्छा, ये फिल्टर में मतलब आपने क्या लगाया? ये वहाँ से जो सैलरी टैंक है वो गैस वाला आया, पाइप आया, इसमें गैस आई, गैस वाला पाइप ही ऊपर से जो आ रहा है। हाँ जी, पहले तो ये डायरेक्ट ही रसोई में पहुँचा देते हैं। अच्छा अच्छा, तो हमने यहाँ से पहले यहाँ लिया, यहाँ लिया है, और यहाँ से फिर इसमें फिल्टर लगाया। अच्छा, ये इसमें फिल्टर है। अच्छा, ये फिल्टर में क्या, किसका बनाया हुआ फिल्टर है? बनाया हुआ है। अच्छा, क्या पाइप का बनाया? पाइप का बनाया है। अच्छा, कितना बड़ा है ये पाइप? ये करीब 1.25 फुट होगा। 3 इंची है शायद, 4 इंची है, 4 इंची, 4 इंची 1.25 फुट। नीचे से बंद है वो? नीचे से बंद है। अच्छा अच्छा, साइड में सुराख है। अच्छा, साइड में उसके इसके सुराख कर रखे हैं। हाँ, इसमें सीमेंट भर रखा, कच्चा सीमेंट, कच्चा सीमेंट, जिससे वो गैस को पास ना होने देवे, गैस ऊपर पहुंचेगी और पानी पानी वो सोख लेगा। अच्छा, कच्चा सीमेंट वाला रोड ही है, सीमेंट और डस्ट मिला आगे। हाँ, उसमें हल्की क्वालिटी का सीमेंट है, ज्यादा तेज सीमेंट डालेंगे तो सोखने का नहीं। हाँ, सोखेगा नहीं। हाँ, अच्छा, जैसा 6 का सीमेंट मिला दिया। अच्छा, वो कितना चौड़ा बनाया आपने इसको? 4 इंच का पाइप है। नहीं, इसके आसपास सीमेंट कितने जगह मिला? सीमेंट वहाँ नहीं डालते। अच्छा, ये तो मिट्टी में है ऐसे। अच्छा अच्छा, मिट्टी सोखेगी ना? अच्छा, मिट्टी से केवल इसमें पाइप के अंदर है थोड़ा सीमेंट। अच्छा, सुराख कर रखे पाइप में इधर उधर। अच्छा, फिर ये गैस के लिए, यहाँ निकलने के लिए ये गैस जा रही है, आउटलेट है गैस का। अच्छा, तो ये कहाँ से जा रही सर आपकी? यहाँ से ही, नहीं सर, ऐसे टर्न होगी और ये ऊपर। अच्छा, अंडरग्राउंड ऊपर रसोई सर आपके मकान में। तो ये कितने फुट पाइप दूर ले जा रहे हैं सर इसको? ये करीब होगा, ऐसे ठीक ठाक गैस मिल रही है सर। अच्छा, कुछ किसान ये कहते हैं कि त्यागी जी हमारा जो है वो टैंक ही बंद हो गया, जाम हो गया। आप उसके भी मैं बताऊंगा उसमें क्या है, कच्चे में जो जानवर बंद रहे उस गोबर को डाल दें, या टूटी पड़ी है वो डाल देते हैं, सर्दियों में सूखा है और वो
मुंह से सूखे करने के लिए पत्ती वत्ती काट के डाल दें, उसमें मिक्स करके गोबर में उसे डाल दें, उससे जाम मिट्टी से चौक होता है। अगर चोर गोबर डालोगे तो चौक कभी भी चौक कभी नहीं होगा। तो यो जो मिट्टी है या पत्ते हैं जो कूड़ा करकट है उसे इसमें डालोगे तो वो जाम बिल्कुल बिल्कुल होगा। बाकी आपका चल ही रहा है 18 साल से, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी कच्चे का कच्ची मिट्टी का गोबर ना डाले, कच्ची मिट्टी उसमें बैठ जाती है डोम में और वो चौक हो जाती है। तो त्यागी जी आपने जो भी बनवाया था गोबर गैस प्लांट आपका ये टैंक है, कब उस समय 18 साल पहले कितना आपकी खर्चा आ गया था? जब तो लगभग 12-13 हज़ार। 12-13 हज़ार। गाँव में क्या आसपास भी लोग इसे चला रहे हैं या आप ही चला रहे हो अपने गांव? वो हमारा ही चल रहा है जी, और असल में लोग बाग चलाने के लिए नहीं लगाते, सब्सिडी लेने के लिए जी प्लांट लगाते। जी जी जी, सीमेंट बेच लें हैं, दूसरे काम में यूज कर लें। हमने तो अपने पैसे से लगाया था, इसमें कोई सब्सिडी कोई छूट कोई ब्लॉक नहीं कर रहा, कुछ हमें तो ये चलाना था। तो कुल मिला के चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया। तो आपने जो चूल्हा लगा रखा रसोई में वो किस तरह बदला? ये चूल्हा है, सिंपल चूल्हा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये गैस का चूल्हा अलग होता है, उसका वो होता है, उसका ये गैस थोड़ी भारी होती है। अच्छा, भारी गैस होती है। इसके जो सुराख है बर्नर के वो थोड़े हैं, चौड़े करने पड़े। अच्छा, उसी चूल्हे में ड्रिल से थोड़े थोड़े सुराख बना। अच्छा, उसी चूल्हे को आपने जो वैसे गैस वाला है एलपीजी वाला उसी में बन उससे कर दिया, आपका जुगाड़ सब कुछ है, आप तो कारीगर आदमी है, उसमें ही कर दिए भारी ऐसे, और चल रही है बढ़िया, तो अलग से चूल्हा लेने की जरूरत नहीं। और बाकी और उसका कोई लाइट वाइट में उपयोग करते नहीं है? बहुत सफल और कारगर किसान हैं और बहुत बढ़िया तरीके से खेती किसानी कर रहे हैं, और उनके अनुभव को आप साझा भी करें और सपोर्ट भी करें, सहयोग भी करें। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी बड़ौत के बाम गांव से नमस्कार।